स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में यूज ऑफ वर्ब टू बी स्टार्ट करवाया था, यानी कि वर्ब टू बी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको उसके काफी बेसिक रूल्स पढ़ा दिए थे। आई होप आप लोगों को वो सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके जो बाकी के बचे हुए रूल्स थे स्टूडेंट्स, वो हम आपको अपनी आज की वीडियो में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो हम आपको बताएंगे रूल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए, यूज ऑफ बी बीन एंड बींग, यानी कि बी बीन और बींग का यूज हम कब, कहां और कैसे करते हैं। ओके, देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने बी, ठीक है। देखिए बी का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इट इज यूज इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस एंड विद मॉडल वर्ब्स ऑल्सो। यानी कि जो हमारे बी का यूज होता है वो हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है, और साथ ही साथ हमारे जो मॉडल वर्ब्स होती है उनके साथ भी बी का यूज होता है। यानी कि देखिए, जो हमने आपको अभी मॉडल वर्ब पढ़ाई है लास्ट, जैसे कि हमारे मेक पढ़ाया था तो मे बी आ गया, माइट पढ़ाया था माइट बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, ठीक है ना। सभी जो हमने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाई है उन्हीं के साथ में एक बी का रूल भी हमने आपको पढ़ाया था, ये वही है। क्लियर आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट हमारा बीन, कि बीन का यूज कब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इट इज यूज आफ्टर हैव, हैज एंड हैड। यानी बीन का यूज जो होता है वो हैज, हैव और हैड के बाद होता है। किसी भी वाक्य में आपको अगर हैज, हैव या हैड मिल जाए तो उसके बाद में हमें बीन का यूज करना है। क्लियर आया समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है बींग। देखिए बींग का यूज हम कब करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड आफ्टर फॉर्म ऑफ बी, दैट इज एम आर एंड वाज वर। यानी कि जो बींग का यूज होता है वो बी की फॉर्म के बाद, यानी बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, देखिए स्टूडेंट्स, इज एम आर वाज वर, बताया था ना हमने आपको कि बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, ये होती है हमारी पांच, इज एम आर वाज वर। यानी जो बींग का यूज होता है वो इज एम आर वाज वर के बाद होता है। ओके, आगे आपको समझ में ये तीनों का यूज, कि तीनों का यूज कब होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू मैं आपको और समझा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से तीनों का यूज समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है पूजा इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, पूजा इंटेलिजेंट है, यानी कन्फर्म है कि पूजा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ में मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पूजा इज बींग इंटेलिजेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बींग आ गया, ठीक है ना, पूजा इज बींग इंटेलिजेंट। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट, इसका अर्थ हुआ कि पूजा इंटेलिजेंट बन रही है, ठीक है। क्या हुआ, पूजा इंटेलिजेंट बन रही है, बन रही है ऐसा तात्पर्य है कि वो इंटेलिजेंट बनने का शो ऑफ कर रही है, यानी दिखावा कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें दिखावा शो हो रहा है इस वाक्य में कि पूजा इंटेलिजेंट बन रही है। आ गया समझ में? जैसे कि हम देखिए बोलते हैं ना, अगर हम किसी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना, वो बहुत अमीर बन रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा बन रहा है, वो बहुत हीरोइन बन रही है, ऐसे हम बात करते हैं ना किसी थर्ड पर्सन के बारे में, अगर हमें उसका नेचर पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे वही है, वही दिखावा शो हो रहा है इन वाक्यों में भी। आगे समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स हमारा, देखिए नेक्स्ट है यू वर स्मार्ट, इसका अर्थ है तुम स्मार्ट थे, ठीक है ना। क्या आ गया, कन्फर्म है कि तुम स्मार्ट थे। अब अगर हम कहें कि यू वर बींग स्मार्ट, तो इसका अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका अर्थ आएगा कि तुम स्मार्ट बन रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है हमें, दिखावा कि तुम स्मार्ट बन रहे थे। ओके, आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बींग आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शी इज बींग क्वीन, वह रानी बन रही है, ठीक है ना। हम कहेंगे ना वह रानी बन रही है, आगे समझ में, तो ये वही है, यहाँ पे बींग आ गया, तो यानी बन रही है, दिखावा शो हो रहा है इसमें। ओके, आ समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ही इज बींग किंग, वह राजा बन रहा है। ओके, आगे समझ में, इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, वह राजा बन रहा है। यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें दिखावा शो हो रहा है ना, बींग आ गया। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा बींग का यूज, कि बींग का यूज हम अगर किसी वाक्य में हमें बींग दिया गया होता तो उसका अर्थ किस तरह से आता है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ही हैज बीन स्टूपिड, यहाँ पे देखिए बीन आ गया, ठीक है ना। हमने आपको ये बीन का रूल पढ़ाया है और इसमें हमने आपको क्या बताया था कि बीन का जो यूज होता है वो हैज, हैव, हैड
के बाद होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हैज के बाद बीन आ रहा है, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरह से हमारे इसका यूज होगा, ठीक है। इसका देखिए इन वाक्यों का हिंदी में अर्थ क्या आ जाता है स्टूडेंट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, क्या है, आगे समझ में। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा स्टूडेंट, ही हैज बीन स्टूपिड, वह मूर्ख बन गया है या वह मूर्ख बन चुका है, ठीक है। तो ये है इसके अर्थ, इस तरह से आएंगे, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, यू हैव बीन नॉटी, तुम नॉटी बन गए हो, ठीक है, या तुम नॉटी बन चुके हो, इस तरह से हमारे इसके अर्थ आते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में, ये हो गया हमारा बीन का यूज, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा बी का यूज, देखिए बी का जो यूज होता है उसका हिंदी में इसका सेंस आता है होना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आता है होना। जैसे कि देखिए हम अगर किसी से कहें बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, ठीक है ना, अगर हमने कहा बी ऑनेस्ट, इसका अर्थ क्या हुआ, ईमानदार बनो। बी काइंड, दयालु बनो, ठीक है ना, क्या होगा इसका अर्थ, दयालु बनो। नेक्स्ट देखिए, डोंट बी स्टूपिड, मूर्ख मत बनो, ठीक है ना, क्या हुआ इसका, मूर्ख मत बनो। नेक्स्ट देखिए, डोंट बी क्रूअल, निर्दयी मत बनो, ओके, आगे समझ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, हमने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स दिए थे आपको समझाने के लिए तीनों का यूज, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट रूल्स, देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए यदि किसी वाक्य में होने के नाते, होने के कारण, होने के वजह शब्द आते हैं, तब हम इनके लिए बींग का यूज करते हैं, आया समझ में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यदि किसी वाक्य में होने के नाते, होने के कारण, होने की वजह शब्द आते हैं, तब हम इनके लिए बींग का यूज करते हैं, ओके। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल लिखा, सिंस आई एम ए डॉक्टर कॉमा इट इज माई ड्यूटी, ओके, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, यह मेरा कर्तव्य है, ठीक है। अब देखिए इसको हम बींग से कैसे लिखेंगे, देखिए बींग ए डॉक्टर कॉमा इट इज माई ड्यूटी, डॉक्टर होने के नाते या डॉक्टर होने के कारण या डॉक्टर होने की वजह, तीनों ही हम लिख सकते हैं, डॉक्टर होने के कारण यह मेरा कर्तव्य है, आगे समझ में। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एस आई एम योर एल्डर ब्रदर कॉमा आई हैव ए राइट टू स्कोल्ड यू, देखिए हम इसको किस तरह से बोलेंगे, देखिए क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है, आया समझ में, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार है, आगे समझे। आप देखिए इसको हम बींग से कैसे लिखेंगे, देखिए बींग योर एल्डर ब्रदर कॉमा आई हैव ए राइट टू स्कोल्ड यू, ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई होने के कारण मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार है, ओके, आगे समझ में। देखिए हम कोई भी वर्ड यूज कर दे, नाते, कारण, वजह, तीनों का एक ही मतलब होता है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, बिकॉज आई एम योर फ्रेंड कॉमा आई फॉरगिव यू, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, ओके। अब देखिए इसको हम बींग से कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए बींग योर फ्रेंड कॉमा आई फॉरगिव यू, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, देखिए तुम्हारी दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हें माफ करती हूँ, ओके, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा एक और रूल बींग का। अब देखिए मैं आपको और नेक्स्ट रूल बताती हूँ बींग का, कि स्टूडेंट्स देखिए बींग इज ऑल्सो यूज एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि बींग का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, ओके, देखिए किस तरह से, अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए, इनके थ्रू मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बींग लेट इज हर हैबिट, ठीक है, इसको हम देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम इसको किस तरह से बोलेंगे, बींग लेट इज योर हैबिट, लेट होना उसकी आदत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बींग है, यहाँ पे बींग क्या कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या रहा है, लेट होना उसकी आदत है, तो यहाँ पे बींग क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक और देखिए हमारा एग्जाम्पल स्टूडेंट, देखिए बींग सेल्फिश इज नॉट गुड,
स्वार्थी बनना अच्छा नहीं है। ओके क्या है स्टूडेंट्स इसका, स्वार्थी बनना अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारा बींग है किसका काम कर रहा है, यहाँ पे भी हमारा ये बींग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड स्टॉप बींग लेजी। ठीक है तुम्हें आलसी बनना बंद कर देना चाहिए। क्या है स्टूडेंट इसका, तुम्हें आलसी बनना बंद कर देना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो ये बींग है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके आया समझ में। देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये हमारा वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पे वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पे देखिए हमारा वर्ब के बाद में आ रहा है, स्टॉप के हमारी वर्ब है इसके बाद में आ रहा है तो हमारा ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे मैंने इन सेंटेंस को दो तरह से लिखा हुआ है। देखिए इसका अर्थ बींग लग के और बींग हटा के चेंज कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बींग लगाया हुआ है तो देखिए यू शुड स्टॉप बींग लेजी, तुम्हें आलसी बनना बंद कर देना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि यू शुड स्टॉप लेजी, तुम्हें आलस बंद करना चाहिए। ठीक है अब यहाँ पे देखिए बींग आ रहा था, तुम्हारे बनने की बात हो रही थी, तुम्हें आलसी बनना, अब यहाँ पे देखिए बींग नहीं है तो तुम्हें आलस बंद करना चाहिए। ठीक है आगे समझ में, ये है इन दोनों में डिफरेंस। ओके अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट नेक्स्ट है आई एंजॉय बीइंग विद यू। मुझे क्या है इसका अर्थ कि मुझे तुम्हारे साथ होने पर मजा आता है। अब अगर मैं यहाँ से बीइंग हटा दूं तो अगर मैं कहूँ कि आई एंजॉय विद यू तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे तुम्हारे साथ मजा आता है। आगे समझ में। तो यहाँ पे भी देखिए बींग में कितना डिफरेंस आ गया, बींग लगा के और बींग हटा के। ओके आया समझ में। तो ये हो गए हमारे बींग के कुछ और रूल्स, तो अब आप इन्हें नोट कीजिए फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट रूल्स, देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा देखिए अवॉइड एंजॉय माइंड डिटेस्ट स्टॉप प्रेसिस्ट, ये हमारी कुछ वर्ब है, इनके इनके बाद में हम जीरंड वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं इसके बाद में हम जीरंड का, जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं उसको हम जीरंड बोलते हैं, ये हमने आपको बताया था ना। तो देखिए अवॉइड एंजॉय माइंड डिटेस्ट स्टॉप प्रेसिस्ट के बाद हम जीरंड का यूज करते हैं। आया समझ में। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए जैसे कि अवॉइड बींग विद राहुल, यानी कि राहुल के साथ रहने से बचो। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया हमारा अवॉइड आ गया, और अवॉइड के बाद में हमने जीरण का यूज किया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने बींग का यूज किया यानी बी प्लस आई एनजी का यूज किया, जरूरी नहीं है कि इसके बाद हम बींग का ही यूज करेंगे, इसके साथ में हम किसी भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एनजी लगाकर इसके सेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टॉप बींग ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनना बंद करो। ठीक है क्या है स्टूडेंट इसका, ओवर स्मार्ट बनना बंद करो। ओके तो यहाँ पे भी देखिए हमने बींग का यूज किया है, अब यहाँ पे आपको बींग के स्थान पे आप किसी भी और जीरण का यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है हमारा पैसिव वॉइस ऑफ बींग, यानी कि बींग का यूज हम पैसिव वॉइस में किस तरह से करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्ब पैटर्न। देखिए सब्जेक्ट प्लस बी, यहाँ पे देखिए जो बी है इसका मतलब है इज एम आर वॉज वर। ओके सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट अगर आपको सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्टिव केस दिया गया होगा तब आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। ओके अब देखिए पैसिव वॉइस में जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ, एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं कि पैसिव वॉइस में जो काम होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ओके देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फूड इज बींग प्रिपेयर्ड बाय द मदर, ठीक है इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे क्या आगे देखिए इसका अर्थ कि माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे खाना बन रहा है लेकिन किसके द्वारा, माँ के द्वारा। ठीक है आगे समझ में। तो देखिए आप देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है शी वॉज बींग इन्वाइटेड इन द पार्टी। ओके देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है उसे पार्टी में इन्वाइट किया जा रहा था। ठीक है अब वो खुद तो इन्वाइट होगी नहीं पार्टी में, कोई ना कोई तो उसे इन्वाइट करेगा ही, तो इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स की उसे पार्टी में इन्वाइट किया जा रहा था। आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टूडेंट क्लॉथ्स आर बींग वॉश्ड, कपड़े धुले जा रहे हैं। ठीक है
क्या हुआ इसका हिंदी में अर्थ स्टूडेंट्स? कपड़े धुले जा रहे हैं, खुद तो कपड़े धुलेंगे नहीं, कोई ना कोई तो कपड़ों को धुलेगा। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं दिया गया है, ठीक है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट को स्किप किया है, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ लेटर वॉज बींग रिटन, एक पत्र लिखा जा रहा था, क्या है इसका अर्थ स्टूडेंट, एक पत्र लिखा जा रहा था। यहाँ पे भी हमें कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं दिया गया तो हमने बाय प्लस ऑब्जेक्ट को स्किप कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फाइल्स आर बीइंग डाउनलोडेड, ठीक है स्टूडेंट, इसका अर्थ क्या आएगा, देखिए फाइल्स डाउनलोड की जा रही हैं, क्या है इसका अर्थ, फाइल्स डाउनलोड की जा रही हैं। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है फ्रूट्स वर बीइंग ईटन बाय द गेस्ट, ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या आएगा कि मेहमानों द्वारा फल खाए जा रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस दिया गया था गेस्ट, तो हमने बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया है। ओके, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस ऑफ बीइंग, आई होप आप लोगों को ये रूल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अब आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट रूल, देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे यूज ऑफ टू बी, यानी कि टू बी का यूज हम कब करते हैं। देखिए स्टूडेंट टू बी के साथ में हमारा नाउन भी यूज हो जाता है, टू बी के साथ में हम एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, और टू बी के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आई एन जी लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज हम कर सकते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज हम टू बी के साथ कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स टू बी के साथ हमारा प्रपोजिशन भी यूज हो जाता है। ओके, आगे समझ में, यानी कि हम टू बी के साथ में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्रपोजिशन सभी का यूज कर सकते हैं। ओके, आगे समझ में। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज स्टेटेड दैट शी इज 16 ईयर्स ओल्ड, और करके मैंने इसको देखिए टू बी का यूज करके भी लिखा हुआ है, जैसे कि शी इज स्टेटेड टू बी 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टू बी का यूज नहीं किया है पहले वाले एग्जाम्पल में, और इसी का जो मैंने और करके दूसरे एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें मैंने टू बी का यूज किया है। तो आप देखिए अब इनका दोनों का अर्थ सेम आएगा, देखिए इसका अर्थ क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए कहा जाता है कि वह 16 वर्ष की है, क्या आया इसका अर्थ स्टूडेंट्स की, कहा जाता है कि वह 16 वर्ष की है, आगे समझ में। तो देखिए दोनों का ही हमारा सेम अर्थ है हिंदी में, यहाँ पे हमने टू बी का यूज नहीं किया है और यहाँ पे हमने टू बी का यूज किया है, और टू बी के साथ में हमारा क्या आ गया यहाँ पे एडजेक्टिव, 16 क्या हमारा एडजेक्टिव है। ओके, आया समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट इज स्टेटेड दैट ही इज मैड, ठीक है, और ही इज स्टेटेड टू बी मैड, ठीक है। अब देखिए दो इनका अर्थ क्या आएगा स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि वह पागल है, क्या है इसका अर्थ स्टूडेंट, कहा जाता है कि वह पागल है। दोनों का ही हमारा जो हिंदी में अर्थ आया है सेम आया है, जबकि हमने यहाँ पे टू बी का यूज नहीं किया है बट यहाँ पे किया है, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट है, इट वॉज स्टेटेड दैट ही वॉज किलिंग पीपल, ठीक है, और ही वॉज स्टेटेड टू बी किलिंग पीपल। अब देखिए इसका अर्थ क्या आ रहा है स्टूडेंट, इसका अर्थ आ रहा है कि कहा गया कि वह लोगों को मार रहा था, क्या है इसका अर्थ, कि कहा गया कि वह लोगों को मार रहा था, ठीक है, आया समझ में। तो देखिए हमारा ये किलिंग यहाँ पे क्या आ गया, देखिए किलिंग हमारा यहाँ पे हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हमारा आईएनजी लग गया। ओके, आगे समझ में। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया हुआ है टू बी के साथ में, यहाँ हमारा एडजेक्टिव था और ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट है हमारा, अक्यूज्ड इज स्टेटेड टू बी सेंट टू जेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टू बी है, टू बी के साथ में हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, जब हम टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव में बनेगा, क्लियर, किसमें बनेगा स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, की अक्यूज्ड इज स्टेटेड टू बी सेंट टू जेल, कहा जाता है कि अक्यूज्ड को जेल भेज दिया गया,
ठीक है, क्या स्कॉट की, कहा जाता है कि एक्यूज्ड को जेल भेज दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं अगर इस तरह से बनाती हूँ, जो मैंने ये तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, तो देखिए हमारे किस तरह क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा स्टूडेंट्स की, देखिए इट इज स्टेटेड दैट एक्यूज्ड वाज सेंट टू जेल। ओके, आया समझ में? तो देखिए हमारे नीचे मैंने और डबल करके नहीं लिखे हैं सेंटेंस, ये भी हमारे सेम इसी तरह से बनेंगे जैसे हमने ऊपर बना रखे हैं। ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की, एक्यूज्ड इज स्टेटेड टू बी इन जेल, इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, कहा जाता है कि एक्यूज्ड जेल में है। क्या आया इसका अर्थ की, कहा जाता है कि एक्यूज्ड जेल में है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टू बी है ये, और टू बी के बाद हमारा क्या गया, ये इन क्या है, हमारी प्रपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे टू बी के साथ में प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है एक्यूज्ड इज डायरेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, एंड डी ओ एच का मतलब होता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो देखिए इसका अर्थ क्या आया स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ आया कि एक्यूज्ड को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। क्या आया स्टूडेंट इसका अर्थ की, एक्यूज्ड को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे टू बी के साथ में यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, प्रेजेंट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ओके, आ समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टूडेंट एक्यूज्ड वाज फाउंड टू बी रिसाइडिंग एट द गिवन एड्रेस। ओके, देखिए इसका अर्थ क्या आता है स्टूडेंट, इसका आ रहा है कि एक्यूज्ड दिए गए पते पर रह रहा था। क्या इसका अर्थ की, एक्यूज्ड दिए गए पते पर रह रहा था। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये टू बी है, और टू बी के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, आईएनजी फॉर्म का, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हमने किया है। अब देखिए स्टूडेंट इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स इसका हमारा निगेटिव बनेगा, एक्यूज्ड वॉज नॉट फाउंड टू बी रिसाइडिंग एट द गिवन एड्रेस, यानी कि एक्यूज्ड दिए गए पते पर नहीं रह रहा था। तो हमारे यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा स्टूडेंट, नॉट हमारा वॉज के बाद लगेगा। ओके, आगे समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है हमारा एक्यूज्ड इज स्टेटेड टू बी ऑन कोर्ट बेल। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इसका क्या है, इसका है कहा जाता है कि एक्यूज्ड कोर्ट बेल पर है। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, कहा जाता है कि एक्यूज्ड कोर्ट बेल पर है। ओके, आगे समझ में इसका? तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए टू बी है, ये टू बी के साथ में हमने किसका यूज किया है, प्रपोजिशन का, ऑन क्या है हमारी प्रपोजिशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है लर्न्ड काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड इज स्टेटेड टू बी नॉट वेल। देखिए स्टूडेंट ये जो लर्न्ड काउंसिल है ये हमें एडवोकेट को बोलते हैं, जो एडवोकेट होते हैं ना उनको बोलते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि कहा जाता है कि एक्यूज्ड का वकील ठीक नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ क्या आता है स्टूडेंट्स की, कहा जाता है कि एक्यूज्ड का वकील ठीक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो यहाँ पे देखिए वाक्य हमारा नेगेटिव में बना हुआ, और टू बी के बाद में हमारे किसका यूज हो रहा है, एडजेक्टिव का। ओके, आगे समझ में कि हम किस तरह से टू बी के साथ में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमने नाउन का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, तो जिस तरह से हमने एडजेक्टिव, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रपोजिशन यहाँ पे यूज किए, इसी तरह से हम टू बी के साथ में नाउन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे समझ में? तो अब आप इसको नोट कीजिए, अब देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं टू बी के। ठीक है, तो आप ये भी देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से टू बी का यूज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए आई लाइक टू गो देयर। ठीक है, और इसको और करके मैंने लिखा है आई लाइक टू बी गोइंग देयर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारा टू बी, और टू बी के साथ में हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है। तो देखिए इसका मीन क्या हुआ, इसका भी हमारा सेम मीन आएगा। देखिए मुझे वहां जाना पसंद है। क्या है स्टूडेंट इसका मीन, कि मुझे वहां जाना पसंद है। ठीक है, दोनों का ही हमारा सेम अर्थ आ रहा है हिंदी में, यहाँ पे हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा शी प्रिटेंड्स टू लव मी। ठीक है स्टूडेंट्स, या शी प्रिटेंड्स टू बी लविंग मी। ठीक है ना, अब देखिए अगर हमारा टू के साथ में आएगा तो हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है,
और टू बी के साथ में आता तो स्टूडेंट्स हमारी आईएनजी फॉर्म आती है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए शी प्रिटेंड्स टू बी लविंग मी या शी प्रिटेंड्स टू लव मी, इसका स्टूडेंट हिंदी में अर्थ हुआ कि वह मुझसे प्यार करने का नाटक करती है। क्या हुआ स्टूडेंट इसका अर्थ की वह मुझसे प्यार करने का नाटक करती है। ओके आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आई एम प्लानिंग टू गो देयर या आई एम प्लानिंग टू बी गोइंग देयर, ठीक है। तो देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा, इसका अर्थ आएगा स्टूडेंट्स की मैं वहां जाने की योजना बना रहा हूं। क्या है इसका अर्थ की मैं वहां जाने की योजना बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे टू बी के बाद में हमारा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का ही यूज हो रहा है, यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स की ही प्रिटेंड्स नाइस टू बी विद यू, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स की वह तुम्हारे साथ अच्छा होने का दिखावा करता है। क्या स्टूडेंट इसका अर्थ की वह तुम्हारे साथ अच्छा होने का दिखावा करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारा टू बी है और यहाँ पे टू बी के साथ में किसका यूज हो रहा है, प्रपोजिशन का। किसका यूज हो रहा है स्टूडेंट, प्रपोजिशन का। नेक्स्ट देखिए आई एम प्लानिंग टू बी एट होम, मैं घर पर रहने की योजना बना रही हूँ। क्या इसका अर्थ की मैं घर पर रहने की योजना बना रही हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा टू बी है और टू बी के साथ में हमारी प्रपोजिशन का यूज हो रहा है एट का। ओके आगे समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा आई लव टू बी ए टीचर, मुझे टीचर बनना पसंद है या मुझे अध्यापक बनना पसंद है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या आगे, हमारा टू बी है और टू बी के बाद हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, नाउन आ गया। तो हमारा नाउन का एग्जाम्पल भी आ गया देखिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स की मुझे अध्यापक बनना पसंद है। ओके क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है हमारा वी वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड्स, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि हमें आपका दोस्त बनना पसंद है, ठीक है, या हम आपका दोस्त बनना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा इसका हिंदी में। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे हमारा टू बी है, टू बी के साथ में हमारा क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में क्या आया इसका अर्थ की हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। क्लियर आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा शी प्रोमिस्ड मी टू बी विद मी, उसने मुझसे मेरे साथ रहने का वादा किया। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की उसने मुझसे मेरे साथ रहने का वादा किया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये टू बी आ गया और टू बी के साथ में हमने विद का यूज किया, यानी प्रपोजिशन आ गया हमारा टू बी के साथ में। क्लियर आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट I am happy to be here, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, इसका अर्थ आया यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात है। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात है। क्लियर स्टूडेंट आगे समझ में। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको टू बी के साथ में जो मैंने अभी आपको लास्ट रूल बताया था उसी के ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे और अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम टू बी के साथ में नाउन का यूज कैसे करें, एडजेक्टिव का कैसे करें, फोर्थ फॉर्म का वर्क की फोर्थ फॉर्म का यूज कैसे करें, वर्क की थर्ड फॉर्म का या कंजक्शन का यूज हम कैसे करें, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया हमारा टू बी के साथ में ये हमारा हियर आया, ये है हमारा एडवर्ब। तो इसका मतलब है कि टू बी के साथ में हम कभी कभी एडवर्ब का यूज भी कर देते हैं। क्लियर आगे समझ में। तो आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट हो गया नोट। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में टू बी के पैसिव वॉइस और इसके जो बाकी के बचे हुए रूल्स हैं वो पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।